Hi, this is Tapas Bundle. Welcome to Let's Learn. Today I'm going to teach you how to square a number ending in 9. 79, 99, 249. All these numbers ending in 9. Left hand side pe 3 steps hai aur sari steps follow karke right hand side pe step wise main aapko samjhaunga. फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है 79 के अंदर यूनिट डिजिट है 9 और टेंस डिजिट है 7। यहाँ पे आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेगा। स्टेप 1 राइट डाउन 1, मतलब आपको स्टेप 1 पे 1 लिखना है। क्यों 1 लिखना है? क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 का 1 लिखना है स्टेप 1 पे। स्टेप 2 ऐड 1 टू द टेंस डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब टेंस डिजिट के साथ आपको 1 ऐड करना है, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा और इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8 8 64 इधर आपका आ जाएगा। राइट दिस नंबर डाउन इफ नेसेसरी, यहाँ का 2 डिजिट का नंबर है, मतलब आपको कैरी लेना है, तो यहाँ पे आपको 6 को कैरी लेना है। स्टेप 3 मल्टीप्लाई द नंबर इन द टेंस डिजिट बाय दैट नंबर प्लस 1। टेंस डिजिट का नंबर है 7, तो 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो टेंस डिजिट प्लस 1 मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 56। कैसे 56 आएगा आप देख सकते हो, 8 7 सा, ओके, तो 56 आ जाएगा और आपका कैरी था इधर 6, तो इधर आपका 62 आ जाएगा। तो आपको स्टेप 1 पे मिला 1, स्टेप 2 पे मिला आपको 4 और स्टेप 3 पे मिला 62। तो यहाँ पे आपको स्टेप 3 का रिजल्ट पहले लिखना है 62, स्टेप 2 का रिजल्ट 4 लिखना है, उसके बाद स्टेप 1 का रिजल्ट 1 लिखना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ब्लैंक पे भी लिखना है 6241 विल बी द आंसर। इसको अगर 3 सेकेंड्स के अंदर आप अगर लिखोगे, तो फर्स्ट स्टेप पर आपको लिखना है 1, सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है, मतलब टेंस डिजिट के साथ प्लस 1 करके 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो मिलेगा 64। 64 का 4 यहाँ पे लिखना है, 6 को कैरी रखना है। स्टेप 3 पे जो करना है, टेंस डिजिट के साथ 1 प्लस करके टेंस डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब वहाँ पे आपको 56 मिलेगा, उसके साथ 6 प्लस करोगे तो 62 मिल जाएगा। तो ए आपका आंसर है 6241 3 सेकंड्स के अंदर मिल जाएगा। सेकंड एग्जांपल आपके पास है 3 डिजिट का नंबर 249। 249 के अंदर यूनिट डिजिट है 9 और टेंस डिजिट है 4, लेकिन यहाँ पे इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको 24 को एज्यूम करना पड़ेगा टेंस डिजिट। यहाँ पे आपको 3 स्टेप है। स्टेप 1 राइट डाउन 1, मतलब आपको स्टेप 1 पे 1 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 का 1 लिखना है स्टेप 1 पे। स्टेप 2 ऐड 1 टू द टेंस डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पे टेंस डिजिट आपको एज्यूम करना है 24 को, 24 को प्लस 1 करना है, मतलब 1 ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 25, और 25 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 200। यहाँ पे आप एक चीज़ दे सकते हो, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, मतलब आपको कैरी लेना है 20 को, और स्टेप 2 पे सेव आपका रहेगा 0। स्टेप 3 मल्टीप्लाई द नंबर इन द टेंस डिजिट बाय द नंबर प्लस 1। टेंस डिजिट का नंबर यहाँ पे 24 है, तो 24 के साथ प्लस 1 ऐड करके तो इधर हो जाएगा 25, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो 25 प्लस 24 आपका इधर आ जाएगा 600। ओके, अब 600 के साथ यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? 20 ऐड करना पड़ेगा। क्यों 20 ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि 20 था स्टेप 2 का कैरी, तो यहाँ पे आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 620। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर लिखना है 620 जो मिला स्टेप 3 पे। स्टेप 2 पे मिला आपको 0 और स्टेप 1 पे मिला आपको 1। ओके, तो 62001 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको आंसर लिखना है 62001। इसको आप 3 सेकंड्स के अंदर कैसे लिखोगे? पहले तो आपको 1 लिखना है। सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है? टेंस डिजिट मतलब जो कंसीडर किया था, जो एज्यूम किया था 24, उसके साथ 1 प्लस करके 25 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 200 आ जाएगा। 200 का 0 यहाँ पे लिखना है और 20 को कैरी लिखना है। आप क्या करना है? स्टेप 3 पे टेंस डिजिट मतलब 24 को 1 ऐड करना है और 24 से मल्टीप्लाई करना है। 24 प्लस 25 आपका हो जाएगा 600। 600 के साथ जो कैरी था स्टेप 2 पे 20, तो उसको प्लस करना है, तो 620 यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपका आंसर 3 सेकंड्स के अंदर आ जाएगा 62001। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। होप यू ऑल एंजॉयड द लेसन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।